इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568698 9234623333। न्यूज बुलेटिन में चल रहे प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता में आज 17वां सवाल। बिहला विषहरी पूजा निम्नलिखित में से किस शहर से जुड़ा हुआ है? ए पूर्णिया, बी सहरसा, सी भागलपुर, डी मुंगेर। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। साथ ही हम करेंगे उनके साथ एक इंटरव्यू, खास मुलाकात। भागलपुर, संक्रमित मरीज घर पर होना चाहते हैं क्वारंटाइन, सरकारी व्यवस्था से लगता है डर। कोसी सीमांचल और पूर्व बिहार में कोरोना का कहर जारी है, जहां हर दिन सैकड़ों नए मरीजों की पहचान की जा रही है, लेकिन सरकारी व्यवस्था की स्थिति को देखकर लोग कोविड अस्पताल या आइसोलेशन सेंटर में रहने के बजाय होम क्वारंटाइन होना ज्यादा पसंद करते हैं। बताते चलें कि पूर्व बिहार के सबसे बड़े अस्पताल JLNMCH की स्थिति काफी दयनीय है, जहां 600 बेड की व्यवस्था है, वहीं 79 मरीज भर्ती हैं, जबकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज स्थित कोविड सेंटर में 130 मरीजों का इलाज चल रहा है। नवगछिया शहर में लॉकडाउन नाम की कोई चीज नहीं, नियमों की उड़ रही खुलेआम धज्जियां। नवगछिया में एक तरफ जहां कोरोना के मरीज की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, इसके बावजूद भी शहर में सरकार के द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। शाम ढलते ही लोगों की भीड़ शहर की सड़कों पर जमा हो जाती है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं करते नजर आ रहे हैं। शहर में खुलेआम ठेले पर चाट, पकौड़ी, पानीपुरी, गुल्फी की दुकानें भी खुल जाती है। इसके अलावा आवश्यक सेवा के दुकान के अलावे अन्य दुकानें खुली रहती है। शहर में दुकान के खुले रहने के कारण शहर में लोगों की भीड़ जमा हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इधर पकरा पशु हाट में भी रविवार को लोगों की जबरदस्त भीड़ लगी हुई थी। वहीं बताते चलें कि देर शाम नौगछिया पुलिस ने शहर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए भ्रमण किया। इस दौरान कई दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई कि अगर उनकी दुकानें खुली तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि दुकानदार अपनी जिम्मेदारी को समझें और दुकानों को बंद रखें, नहीं तो उन पर कार्रवाई संभव है। कोरोना संक्रमित नहीं थे सरयुग भगत, पुत्र ने अकेले पिता के शव का किया था दाह संस्कार, कोरोना के संदेह में कोई नहीं था सटने को तैयार। नौगछिया के मकनपुर निवासी स्वर्गीय सरयुग भगत कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं थे। रविवार को नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल से उनका रिपोर्ट जग जाहिर किया गया है। 15 जुलाई को उनकी सैंपलिंग ली गई थी, रिपोर्ट आने से पहले 18 जुलाई को ही उनकी मौत हो चुकी थी। मौत के बाद कोरोना होने के संदेह में कोई भी शव में सटने को तैयार नहीं था। सुबह से शाम तक शव यूं ही घर पर पड़ा रहा। देर शाम एक वाहन से अकेले मृतक के पुत्र संजीव कुमार ने सबको बरारी शवदाह गृह ले जाकर दाह संस्कार किया था। संजीव ने कहा कि अगर रिपोर्ट जल्दी आ जाता तो उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होता और सामान्य लोगों की तरह ही उनके पिता का दाह संस्कार होता, लेकिन उसे जीवन में यह दिन भी देखना पड़ा, उसने सोचा नहीं था। जिंदगी भर मुझे शनिवार के दिन का मलाल रहेगा। वहीं आजाद हिंद मोर्चा के राजेंद्र यादव ने कहा कि समाज की स्थापना ही इसलिए इस तरह की विपत्तियों का सामना करने के लिए हुआ है, लेकिन इस तरह की स्थिति को देखते हुए बुद्धिजीवियों को एक साथ मिल बैठकर गहन चिंतन करने की जरूरत है। नवगछिया अस्पताल के गार्ड सहित 4 कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया में रविवार को 4 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमण में पाए गए लोगों में 2 नवगछिया नया टोला, 1 अनुमंडल अस्पताल का प्राइवेट गार्ड एवं 1 मुमताज मोहल्ला के हैं। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन लोगों का सैंपल 15 जुलाई को लिया गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसे कोविड-19 सेंटर भागलपुर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नवगछिया शहर में सड़क पर अचेत होकर गिरा युवक, घायल। नवगछिया बाजार के दुर्गा स्थान चौक पर रविवार को एक युवक एकाएक अचेत होकर गिर पड़ा। युवक के सड़क पर गिरने के कारण उसका सर फट गया और खून निकलने लगा। एकाएक युवक के शहर की सड़क पर युवक के गिर जाने के बाद कोरोना संक्रमण के भय से कोई भी युवक को उठाकर इलाज के लिए नहीं ले जा रहा था। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक के परिजन भी वहां पहुंचे। इसके बाद परिजन ने युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस दौरान करीब 20 मिनट तक सड़क पर ही युवक घायल अवस्था में पड़ा रहा। नौगछिया थाने के प्रभारी थानाध्यक्ष हरिशंकर
शंकर कश्यप ने बताया कि घायल युवक थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी राकेश पोद्दार है। परिजनों द्वारा उसका निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। परिजनों द्वारा बताया गया कि युवक को दौरा आता है, जिसके कारण वह अचेत हो गया। सड़क पर ही दौरा आने के कारण वह अचेत होकर गिर गया और उसका सर फट गया। कीचड़ में हुआ नौगछिया शहर, लोगों का चलना भी हुआ दुश्वार। शनिवार देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश में नौगछिया के कई सड़कें पूरी तरह से जलमग्न और कीचड़ में हो गए हैं, जिससे आम लोगों का चलना दुर्लभ हो गया है। नौगछिया के राजेंद्र कॉलोनी वार्ड संख्या 5 में चंदन कुमार की किराना दुकान से लेकर राम कुमार सिंह के घर तक सड़क चलने लायक भी नहीं रहा है। जानकारी मिली है कि यहां नाला निर्माण में की गई तकनीकी खामी के कारण यहां जल निकास का कोई स्रोत नहीं बचा है, जिसके कारण हल्की बारिश में भी करीब 100 मीटर तक सड़क कीचड़ में हो जाता है। वहीं नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के समीप से रेलवे पूर्वी केबिन तक सड़क पूरी तरह कीचड़ में हो गया है, जिस पर दिन भर दोपहिए वाहन फिसलते नजर आते हैं। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने कहा कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण करवाने के लिए वे पहल कर रहे हैं। राजेंद्र कॉलोनी में जल्द ही लोगों को धरातल पर कार्य दिखने लगेगा। वहीं बताते चलें कि मकंदपुर से नौगछिया शहर आने वाली मुख्य सड़क भी इन दिनों पोखर के शक्ल में तब्दील हो गया है। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में लें निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 8873-9736-80। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। नवगछिया के PSC गोपालपुर में लिया गया दर्जनों लोगों का सैंपल। रविवार की दोपहर PSC गोपालपुर में स्वास्थ्य कर्मियों सहित दर्जनों लोगों का सैंपल लेकर जांच हेतु मायागंज अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय, LT आशीष चौधरी सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी की मौजूदगी देखी गई। गंगा नदी खतरे के निशान के करीब, इस्माइलपुर पर गहराया बाढ़ का संकट। गंगा नदी के बाढ़ का संकट नौगछिया के दर्जनों गांव पर मंडराने लगा है। गंगा नदी खतरे के निशान को छूने को बेताब है। गंगा का जलस्तर जहां खतरे के निशान 31.60 मीटर से महज 45 सेंटीमीटर नीचे 31.15 मीटर पर बह रही है। हालांकि पिछले 24 घंटे में नदी के जलस्तर में महज 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है, जिससे थोड़ी राहत है। जल स्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण तटवर्ती इलाके के गाँव में लोगों के बीच संभावित बाढ़ का भय व्याप्त हो गया है। जदयू समाज सुधार सेनानी प्रखंड अध्यक्ष घोषित। जदयू समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रकाश राय ने प्रखंड अध्यक्ष की सूची जारी कर दी है। मीडिया सेल जिला संयोजक रवि कुमार ने बताया कि नौगछिया में राहुल कुमार गोपालपुर से, सुधीर पंडित इस्माइलपुर से, माखन मंडल रंगरा से सौरभ शाह, खरीक से अजय यादव, बीहपुर से उमाशंकर मंडल और नारायणपुर से मुरारी सिंह को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। गंगा में डूबने से छात्र की गई जान। नारायणपुर प्रखंड के बैकंठपुर दुधैला पंचायत के बैकंठपुर गंगा दियारा में मुंसीपट्टी गंगापुर निवासी कालीचरण दास के 12 वर्षीय पुत्र रवि रंजन कुमार का गंगा नदी में डूबने से मौत हो गया। वहीं शिक्षक रवि सुमन उर्फ अरुण मंडल ने बताया कि रविवार को लगभग 12 बजे परवल तोड़ने के लिए अपने परिजन के साथ वह गंगा दियारा गया हुआ था। बैक चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294-855-586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।